औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज हम मज़ीद नए पांच वर्ड्स सीखेंगे, इसकी हम इंग्लिश में जो है तर्जुमा करेंगे। लर्निंग वोकैबुलरी, लर्निंग वोकैबुलरी। मुश्किल अल्फाज सीखेंगे। तो आज का पहला लफ्ज़ जो है ना कंज्यूमेट, सी ओ एन एस यू डबल एम ए टी। ये कंज्यूमेट का क्या मतलब है? मुकम्मल करना, इंतहा करना, मुकम्मल करना, इंतहा करना। दूसरा जो लफ्ज़ है पेरेफेरीज, पी ई आर ई आई पी एच ई आर वाई, पेरेफेरी। पेरेफेरी का मतलब है इलाका, हुदूद या दायरा। फिर जो तीसरा लफ्ज़ है वो है डिप्लीट, डी ई पी एल ई टी ई, डिप्लीट। डिप्लीट का क्या मतलब है? डिप्लीट का मतलब है खर्च करना, ख़त्म करना, खर्च करना, ख़त्म करना या इस्तेमाल करना। कोई चीज़ जब आप ख़त्म करते इस्तेमाल करते, ठीक है। फिर है रेजिड्यू, रेजिड्यू। रेजिड्यू का क्या मतलब है? बाकी रहना, बाकी रहने वाला या बाकियात, ठीक हो गया। जो बाकियात होते हैं या बाकी रहने वाली चीज़, उसको क्या कहते हैं? रेजिड्यू। आखिरी जो लफ्ज़ है मिसो, एम आई एस ओ, गायनेस्टिक, मिसोगायनेस्टिक। मिसोगायनेस्टिक किसको कहते हैं? जन बेजार। जन बेजार से क्या मुराद है? औरत से, औरत से नफ़रत करने वाला, औरत से नफ़रत करने वाले को क्या कहते हैं? जन बेजार। तो मुझे उम्मीद है आज की वोकेबलरी आप सीख चुके होंगे। मज़ीद जो है ना इन्फॉर्मेटिव वोकेबलरी के लिए हमारे साथ रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये जो वोकेबलरी है सी एस एस वालों के लिए और पी सी एस या कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, और जो बच्चे इस किस्म के वर्ड्स ढूंढ रहे हैं उसके लिए इंतहाई आराम है। मुझे उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।